जी, आप अभी मुझसे नाराज हैं? गोपी भाभी की जान खतरे में, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही। सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे ठहरा रहे। ठीक है, लेकिन मैं सच कह रही, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार वापस पाने के लिए किया। मैं ये नहीं जानती थी कि हमारे हाथ से बात इस तरह निकल जाएगी। ठीक, देखिए, गोपी को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि कैसा कुछ हो जाएगा। मैं सच कह रही हूं। पता नहीं राशि, अगर ये सब पहले हुआ होता तो शायद मैं तुम पर विश्वास कर लेता, लेकिन तुम्हारे लिए फिर से अपने दिल में विश्वास जगाना बहुत मुश्किल। तुम्हारी वजह से राशि, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे नीचा देखना पड़ा। मोटा भाभी, मोटा भाई, अहम के पापा, आप सब लोग घर जाकर आराम कीजिए। किंजल, तुम भी इनके साथ घर चली जा। पर कोकिला, तू अहिया। मोटा भाभी, मेरी गोपी वो यहाँ है, और उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। और फिर अहम और जिगर तो है ही मेरे साथ। आप जाइए, अब मैं दोपहर में आ जाऊंगी। अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीतू भाई, आप भी घर चले जाइए। रोहन जी, मैं तो यहीं रहूंगा। वैसे उर्मिला भी तो यही है ना? वो मैं यहाँ तुझे परेशान करने नहीं आई, मैं सिर्फ यही कहना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ है तेरे साथ, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है।
ठीक है ठीक है, मेरे लिए अब इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? गलती मेरी थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आता हूं, ठीक है? तू भी चल। उर्मिला बहन, क्या बात है, आप अचानक इतना शोर क्यों करने लग गई? तो मैं शू करू? हे मारा ठाकुर जी, किस जन्म का बदला ले रहे हो कि मेरी दोनों दिकरी इस हालत में है। गोपी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और ये बेचारी भले ही यहाँ वहाँ मुँह छुपाती रोती फिरे, पर किसी को इसकी चिंता ही नहीं है, कोई उसे देखने वाला ही नहीं है। मम्मी प्लीज शू, प्लीज प्लीज, आप लोग मेरी बच्ची से किस जन्म का बदला ले रही है? उर्मिला, चुप रहो। मैं तब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक ये लोग मेरी दीकरी को अपने घर वापस नहीं ले जाते। ऐसा क्या मेरी दीकरी ने बाहर तोड़ दिया कि उसे घर से बाहर ही निकाल दिया? अब चलो यहाँ से प्लीज। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये लोग तुझे तेरे सासरे वापस नहीं ले जाते। मैडम, आप इस तरह से शोर क्यों कर रहे हैं? ये अस्पताल है, या तो चुप रहिए नहीं तो यहाँ से चले जाइए प्लीज। कई खुश, अब चलो घर चलते। Thank you.